Assalamualaikum everyone, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद करीम और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अपलोड यूट्यूब शॉर्ट्स फ्रॉम पीसी। मींस के हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपने पीसी से कैसे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब के शॉर्ट्स का ऑप्शन जो है क्रिएटर शॉर्ट्स जो हमारे मोबाइल में ऑप्शन आता है क्रिएटर शॉर्ट्स का ऑप्शन, वो पीसी में शो नहीं होता। तो हम क्या ट्रिक यूज करेंगे कि हम पीसी से भी अपने यूट्यूब शॉर्ट्स को अपलोड कर सकें, तो वही आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना एंड वीडियो को लाजमी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी लाजमी से प्रेस कर देना। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, वो सीखते हैं कि हम अपने पीसी से या अपने कंप्यूटर से शॉर्ट वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो आपने सबसे पहले जो भी आपका चैनल है उस चैनल को आपने ओपन कर लेना है एंड देन जैसे ये मेरा मेन चैनल है तो इसको मैंने ओपन कर लिया एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है अपलोड वीडियो गो लाइव का ऑप्शन दिख रहा है। तो क्या मेथड होता है यूट्यूब के शॉर्ट्स अपलोड करने का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपलोड वीडियो ऑप्शन दिख रहा है। तो YouTube शॉर्ट्स के लिए आपकी वीडियो की जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 मिनट होनी चाहिए, 1 मिनट से कम होनी चाहिए, तो तभी आप YouTube शॉर्ट्स में पीसी से अपलोड कर सकेंगे, क्योंकि YouTube शॉर्ट्स की इतनी ही टाइम लिमिट होती है। तो सबसे पहले आपने कोई भी आपकी वीडियो बन गई आपने उसको अपने पीसी में जो है सेव कर लेना है एंड देन आपने यहाँ पे आ जाना है अपलोड वीडियो। तो आपने पूरा मेथड फॉलो करना है। तो आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है सिलेक्ट फाइल्स, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट फाइल करनी है जिस फोल्डर में भी आपने अपनी वीडियो जो है सेव की हुई हो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जैसे ये वीडियो है ये मैंने पहले से अपलोड कर ली थी, लेकिन ये अगर मैं दोबारा अपलोड कर दूं आप लोग को सिर्फ सिखाने के लिए मैं वापस डिलीट कर दूंगा। तो आपकी वीडियो का जो रेशो होना चाहिए 9:16, जैसे ये वाइड स्क्रीन वीडियो तो इसका रेशो है 16:9, तो आपका जो शॉर्ट्स का रेशो होगा वो बिल्कुल ही अपोजिट होगा या 9:16। जैसे टिकटॉक की वीडियो का रेशो होता है 9:16, तो वही सेम आपका रेशो यूट्यूब के शॉर्ट्स का भी होता है। तो मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वीडियो, तो मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा एंड देन यहाँ पे मैंने टाइटल दिया हुआ एंड टाइटल में आपने सिर्फ हैशटैग शॉर्ट्स का आपने यूज करना है, तो आपका जो शॉर्ट्स होगा वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स फीड में ऐड हो जाएगा। तो आपने यहाँ से शॉर्ट्स का हैशटैग जो है वो लाजमी से यूज कर लेना है एंड देन यहाँ पे हम इसको नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो मेड फॉर किड्स नहीं है। तो हमने जो टैग्स जो है अभी कुछ भी नहीं डालना है, तो अगर आप बाद में डालना चाहें तो डाल सकते हैं एंड देन अभी हम सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे भी नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे। तो हमारी ये जो शॉर्ट वीडियो थी वो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वीडियो जो है शॉर्ट्स में ऐड हो चुकी है। तो यही एक मेथड होता है अपने शॉर्ट्स को पीसी से अपलोड करने का। तो आप इस मेथड को यूज करके अपने पीसी से जो है शॉर्ट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपकी वीडियो का रेशियो जो होना चाहिए 9:16 होना चाहिए और आपकी वीडियो की जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 मिनट या 1 मिनट से कम होनी चाहिए, क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का शॉर्ट्स नहीं होता। तो ये था हमारे आज की वीडियो का टॉपिक। हम तो आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो वीडियो को लाजमी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।